नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। सोचा कि जब तक BCCLE से काउंसलिंग से कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं आ जाता है, तब तक मैं कुछ आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ बात कर लेता हूँ टॉपिक पर बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। आज जो मैं एक बात बोलूँगा बच्चों, चूँकि हम पर गुजरी है, इसलिए मैं वो बात आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से आप लोग अभी से गलती ना करें, नहीं तो बाद में आप लोग को भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले आइए हम लोग बात करते हैं DCCLE यानी कि काउंसलिंग के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि 20 तारीख के बाद बच्चों आप लोग का जब भी रिजल्ट इश्यू हो जाए, SBT बोर्ड के द्वारा दिया गया था, ज्यों ही रिजल्ट आता त्यों ही आप लोग का काउंसलिंग चालू हो जाएगा। और काउंसलिंग से रिलेटेड मैंने बोला था बच्चों कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट जो है कि तैयार रखिएगा, ताकि आप लोगों को कोई किसी तरह का दिक्कत ना हो। तो देखिए बच्चों, डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगते हैं, चॉइस जब फिलिंग कीजिएगा तो उसमें तो उम्मीद करता हूँ कि बच्चों कुछ नहीं लगेंगे, लेकिन जब एडमिशन का समय होता तो उसमें आपको जिस तरीके से आपने डिप्लोमा में किया था, ठीक है, बिल्कुल इसमें बच्चों क्या कीजिएगा, 10th का मार्कशीट हो गया, 10th का एडमिट कार्ड हो गया, और जो है पॉलिटेक्निक का जो 6 सेम का बच्चों आपको मार्कशीट मिलेगा वो मार्कशीट हो जाएंगे। उधर PLC कटते हैं, कैरेक्टर मिलेगा और आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। बच्चों ये सभी क्या होता है, जब एडमिशन आप लोग करवाएंगे तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। वो तो रिजल्ट आने के बाद आप लोगों को कॉलेज में मिल ही जाएगा बच्चों, ठीक है, तो घबराइएगा नहीं। और एक बात और रही बच्चों, रेसिडेंस, इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है, जो आप फॉर्म भरने वक्त अगर अपलोड किए हैं बच्चों, तो उसे अच्छे तरीके से बचा के रखें और वो ही दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। अन्यथा आप लोग चाहें तो नया बना सकते हैं, नया वाला भी रखिएगा और पुराना वाला रखिएगा जो अपलोड किए हैं वो रखिएगा, तो बच्चों आपको डांट फटकार कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी सस्पिशन आपको नहीं होगा। ठीक है, तो ये रही हमारी काउंसलिंग से बात। नेक्स्ट बच्चों हम लोग का टॉपिक जो था, बहुत सारे बच्चे हमारे चैनल पर 2021 के लिए BCCLE के लिए बच्चों फोर्स कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि सर कब से बैच स्टार्ट कीजिएगा, कब से बैच स्टार्ट कीजिएगा। क्योंकि बच्चों देखिए, 2020 का एग्जाम हुआ, इसका रिजल्ट नहीं दिया है, रिजल्ट तो दे दिया बच्चों, काउंसलिंग नहीं हुआ, एडमिशन नहीं हुआ, इसलिए बच्चों थोड़ा सा मेरा भी मन जो है कि उधर थोड़ा सा नहीं कर रहा अभी बनाने का वीडियो। लेकिन बच्चों बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए 1-2 दिन में बच्चों 2021 के लिए फिर से मैं बच्चों इस बार जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा बच्चों एकदम सिलसिलेवार ढंग से ही अच्छे तरीके से बच्चों फुल कोर्स दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में यूट्यूब पर आपको अवेलेबल रहेंगे। सिर्फ बच्चों आपसे एक भी पैसा नहीं मांगेंगे हम, सिर्फ मांगेंगे आपसे बच्चों आपका सपोर्ट। आप अपने जितने भी फैमिली हैं, जितने भी दोस्त हैं, सभी के मोबाइल लेकर बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वो भी ये नहीं कि जो नहीं पढ़ते, जो पढ़ने वाले बच्चे एक्टिव बच्चे होंगे उनमें क्या कीजिएगा बच्चों, सब्सक्राइब करवाइएगा उनसे, ताकि उनको भी लगे कि ना हमारे लिए एक सर जो है कि हमारे लिए फ्री में वर्क कर रहे हैं और पूरे मेहनत से वर्क कर रहे हैं। मैं बच्चों स्पेशली आप लोग के लिए ही बना हूँ, आप लोग के लिए ही काम करता हूँ, याद रखिएगा। आपसे मैंने एक भी पैसा नहीं मांगा किसी चीज़ के लिए, आज तक मांगा है तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके, नहीं सर आपने पैसा मांगा, एक भी पैसा बच्चों मैं लेना नहीं चाहता हूँ, भगवान का दिया हुआ बच्चों सब कुछ है मेरे पास। ठीक है, तो ये सभी तो बात होती रहेगी बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टर्म, तो और जो मैंने बताया था बच्चों कि आप लोगों को BCCLE का जो है कि 3rd सेम बच्चों मैंने बोला था कि 3rd सेम का सिलेबस जो है कि आप लोगों को एक एक ब्रांच वाइज मैं बताऊंगा, और उसमें से जो कॉमन पेपर होंगे सभी पेपर को मैं पढ़ाऊंगा बच्चों, कॉमन पेपर आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाऊंगा। क्योंकि देखिए बच्चों थोड़ा सा होता ना कि काउंसलिंग अगर हो जाता तो और पढ़ाने में थोड़ा सा बच्चों इनर्जेटिक चीज़ हमें लगता, एनर्जी आता, लेकिन फिर भी आप लोगों ने कहा, बहुत सपोर्ट किया, इसलिए मैंने बच्चों क्या किया है कि सिलेबस आप लोग का सिलसिलेवार ढंग से तैयार कर रहा हूँ बच्चों, ताकि चूंकि मैं आपको पढ़ाऊँ तो आपको लगे ऐसा कि आप लोग 4 साल के बाद जब ही तैयार हो जाइएगा बन के पढ़िएगा, कि तो लगे कि ना हम जो बच्चे बहुत चीज़ सीखे हैं
और एक बार एग्जाम में बैठे तो एक बार एग्जाम आपका निकले, सेमेस्टर तो पास करने के लिए तो ऐसे सेमेस्टर निकल जाएगा, लेकिन आपको बच्चों वो ज्ञान मैं दूंगा जिससे कि आपको कंपटीशन में फायदा होगा, और कंपटीशन में बैठिएगा और नौकरी आसानी से आप लोग ले लीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों एक चीज और मैं आप लोगों से अंत में कहना चाहूंगा कि अगर आपका कोई भाई बहन या आपका दोस्त, दोस्त का दोस्त या किसी भी तरह के घुमा फिरा के आप लोग का अगर कोई दोस्त का भाई, दोस्त की बहन अगर कोई भी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर बीटेक में एडमिशन लिए हैं, तो वो क्या करेंगे बच्चों, वो जो है कि डायमंड मैथटेक में आने का सलाह दीजिए उनको, और बोलिए कि इस चैनल पे बच्चों बिल्कुल फ्री में आप लोगों को एकदम बिल्कुल एक के यू के सिलेबस के अनुसार बच्चों मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वीडियो एकदम एक से एक। आप लोग का पढ़, आप तो लोग तो पढ़े हुए हैं, जो लोग बिल्कुल आएंगे पढ़े उन्हों भी बच्चों लगेगा कि नहीं हाँ मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा टीचर को देखा है, ऐसा देखा। देखिए बच्चों चूंकि दो चीज की तरह होते हैं, अब चूंकि बच्चों आई एम ए स्टूडेंट, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ अभी, और बहुत सारे क्या होते हैं कि टीचर हो जाते हैं। टीचर होने कहने का मतलब ये हुआ कि बच्चों मैं स्टूडेंट में टीचर हूँ, ठीक है, कि चूंकि मैं क्या करूंगा आपका सिलेबस जैसे जैसे चेंज होगा या आपको क्या नीड है, मैं करेंट में एग्जाम देता हूँ बच्चों, करेंट में एग्जाम दिया, हमें पता है कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। और बहुत सारे प्रोफेशनल क्या होते हैं कि बच्चों कोई कुछ भी सिलेबस रहे वो पढ़ाए, उनको पैसे से मतलब होता है, लेकिन मेरा मतलब मेन मकसद होता है बच्चों हमारे बच्चों की रिजल्ट से हमें मतलब होती है, ना कि हमें बच्चों उनके पैसे से मतलब होती है, हमें जो है कि बच्चों के रिजल्ट से मतलब होती है, ठीक है। तो ये सभी तो बात हुई कि अपने जितना ज़्यादा से ज़्यादा, चूँकि बच्चों बिहार में 38 इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज उतने हैं बच्चों, क्या हमारे चैनल को चाहे तो क्या आप सभी मिलके इतना शेयर कीजिएगा, क्या ये डायमंड मैथ टेक को नंबर वन टेक्निकल में क्या आगे नहीं ले जा सकते हैं, चैनल को बिल्कुल ले जा सकते हैं। और आप लोग के लिए एक एक बच्चों एक एक पॉइंट का वीडियो प्रोवाइड करूंगा, तब देखिएगा कि आप लोग किस तरीके से जो है कि मैं आपके लिए वर्क करता हूँ, और एक नंबर चैनल को इसे बनाइए, आप लोगों को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करवाइए, बोलिए उनको, और ज़्यादा प्रेशर नहीं दीजिएगा, ये नहीं कि कहर भी कीजिए, आप लोग एक बार बोले अगर उनकी इच्छा तो करें, नहीं तो कोई किसी तरह का दबाव नहीं है। जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे उन्हें पसंद आएगा तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखेंगे, और जो आने जाने वाले रहते हैं वो जो आएंगे और छोड़ के जाएंगे भी जाएंगे, उसे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और जो हमारे ओरिजिनल में बच्चे हैं अच्छे बच्चे रहेंगे वो हमारे चैनल पे जरूर बने हुए रहेंगे, ठीक है, वो जरूर सपोर्ट करेंगे। और अंत में बच्चों जाते जाते एक चीज़ और कहूँगा बच्चों, चूंकि मुझे थोड़ा सा शर्मिंदगी कहिए या जो भी कहिए, मैंने थोड़ा सा कमी है हमें अभी थोड़ा सा पूरा नहीं कर पाया बच्चों, चूंकि अभी भी बीटेक कंप्लीट किया, इसलिए बच्चा तो कहता हूँ कि मैं 11 दिसंबर को मैं पूर्णिया में गया था SSC JEE 2029 यानी 2019 का एग्जाम देने गया था, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बच्चों 50 रीजनिंग पूछता है, 50 जनरल अवेयरनेस रहता है, और 100 जो कि टेक्निकल पेपर रहता है बच्चों, ठीक है। इसमें से मैंने बच्चों आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी क्या कीजिएगा बच्चों, अभी से ही मेहनत कीजिए प्लीज, मैं आई एम रिक्वेस्टेड टू यू, प्लीज प्लीज प्रिपेयर फॉर दी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर लाइक NTPC RRBJEE, ये क्या कहते हैं SSC JEE बच्चों, इसलिए मैं SSC JEE पे फोकस करता हूँ क्योंकि बच्चों अभी आपको ना ही RRBJEE का भी नहीं दिख रहा या अन्य स्रोत बच्चों कहीं नहीं दिख रहा, और SSC जो है कि बच्चों लगातार 6 महीने में आपको वैकेंसी दे रही है। अभी देखिए बच्चों 2019 का जो है कि एग्जाम ही हो रहा, और 2020 का फॉर्म भरा के कम्प्लीट भी हो चुका है, ठीक है। अब ये मत सोचिएगा कि मैंने फॉर्म, अप्रैल में बच्चों एग्जाम होगा, फिर से 2020 मैकेनिकल का एग्जाम होगा, और फिर से आप लोगों का फिर फॉर्म भरा जाएगा JEE का, ठीक है। इसलिए बच्चों अभी से ही आप लोग प्रिपेयर करें, तो तीन चीज ही मात्र पढ़ना है आपको बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों इसमें क्या होता है, नन टेक भी बहुत ज्यादा मायने रखता है, 50-100 क्वेश्चन नन टेक हैं इसमें से बच्चों, मैंने रीजनिंग में हमें लगता है 48 मेरा सही होगा, ठीक है। आप लोग भी हमें सपोर्ट करें, अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं सर हम ये चीज भी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में देते रहें, क्योंकि मैंने बच्चों को कुछ कुछ वीडियो बनाया था अलग से SSC JEE के लिए, आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, वीडियो को देखा ही नहीं, इसलिए मैं बनाना छोड़ दिया,
ठीक है। लेकिन बच्चों उम्मीद करता हूँ अगर आप मेरे बात पे खरे उतरेंगे तो मैं आपको बच्चों 50 में से 50 भी मार्क्स दिलवा सकता हूँ रीजनिंग में। और वहाँ जीके जीएस तो देखेंगे बच्चों, मैंने दो ग्रुप बनाया है, एक एनटीपीसी ग्रुप है, एक बीसीसीएल का। दोनों ग्रुप में बच्चों मैं ज्यों ही एग्जाम देखा है, क्यों ही जो जो मुझे याद आते हैं अभी भी याद आते हैं तो क्वेश्चन लिख के मैं रखता हूँ बच्चों, क्योंकि कुछ दिन के बाद आंसर किए आ जाएंगे तो फिर मैं ओरिजिनल क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा। कि चूंकि बच्चों इतना आसान था, ठीक है, करेंट अफेयर्स बच्चों अभी से ही पढ़ें, क्योंकि बच्चों जनवरी 2020 तक का इसमें जो है कि दिया हुआ था क्वेश्चन करेंट अफेयर्स का। और बच्चों बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, हीजी क्वेश्चन भी थे कि कॉर्निया किससे संबंधित है, तो कॉर्निया आंख से संबंधित, बहुत इजी इजी क्वेश्चन भी थे। थोड़ा सा अगर बच्चों मेहनत कीजिएगा अभी से ही नैनटेक पे लगे रहिए, और उम्मीद करता हूँ कि अगर थोड़ा थोड़ा एक एक घंटा भी अगर अभी से आप देते जाते हैं तो 4 साल के बाद बच्चों आप लोगों को कभी कोई तरह का दिक्कत नहीं होगी। और ये मत सोचिएगा कि बीटेक करने के बाद ही बच्चों मुझे नौकरी लेना है। माँ बाप आपके आशा लगा के बैठे होंगे कि मेरे बच्चे ने पॉलिटेक्निक कर लिया, कब बच्चों जॉब करेंगे। इसलिए बच्चों मैं आप लोगों को कहता हूँ, क्योंकि आप लोग डिप्लोमा कर लिए तो डिप्लोमा बेसिस पर ही बहुत ज़्यादा फॉर्म भरा था, चूंकि बच्चों मैंने बीटेक कर लिया अभी तक बीटेक लेवल पे एक भी फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाया। जितना भी मैंने फॉर्म फिलअप किया सब किया है डिप्लोमा लेवल पर। इसलिए बच्चों अभी से ही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अगर जो भी ब्रांच है, सिविल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, मैकेनिकल का हो, अपने अपने ऑब्जेक्टिव क्षेत्र में देखिए जो आता है। जैसे मैकेनिकल का बच्चों RS खुड़मी और RK जैन का ऑब्जेक्टिव आता है, ये बुक को ले लें अभी से ही बच्चों, चाहे थ्योरी ऑफ मशीन हो या मेट्रोलॉजिकल हो, प्रोडक्शन हो, या जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के बच्चों मान लीजिए 10 10 क्वेश्चन 20 20 क्वेश्चन ही पढ़ना बिल्कुल इजी। अगर ऊपर ऊपर भी आप लोग पढ़ते हैं तो SSC JEE का फर्स्ट स्टेज निकल जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन मैंने देखा था, टेक्निकल का भी क्वेश्चन डालूंगा बच्चों, तब आप लोगों को विश्वास हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगी, ज़्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे। इसलिए बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्टेड है, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग बच्चे अभी से ही मेहनत करना शुरू करें। बच्चों खाली समय मिलता है तो आप लोग जनरल मैथमेटिक्स पर हैं, रीजनिंग पर हैं, करेंट अफेयर्स पर हैं, और साथ में टेक्निकल पर बच्चों 1 से 2 घंटा जरूर दें। ठीक है, आपके भी बाद में बीटेक में एडमिशन हो जाएगी तो अपना इधर से पढ़िएगा और इसको मत छोड़िएगा। ठीक है, और लास्ट में बच्चों यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने फैमिली को 100 के बहुत ही करीब पहुँचा दिया, यानी कि 1K के बहुत ही ज़्यादा करीब पहुँचा कर आप लोग छोड़ दिए हैं। उसे चाहता हूँ कि बच्चों कल तक में आप लोग 1K फैमिली को पूरा दीजिए, 980 के अप्रोक्स में आप लोग बच्चों सब्सक्राइबर लेके चले गए। क्या आप लोगों में उतना क्षमता नहीं है कि आप लोग शेयर करके 20 से 22 सब्सक्राइबर पूरा दें? बिल्कुल आप लोग चाहेंगे तो मेरी खुशी यानी आपकी खुशी मेरी खुशी है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर आप लोग खुश हैं तो मैं खुश हूँ, अगर आप लोग दुखी हैं तो मैं भी आपके साथ साथ दुखी हूँ बच्चों। तो अंत में ज़्यादा इमोशनल नहीं करता हुआ, उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही जल्द आप लोगों के काउंसलिंग की डेट आए, और तब तक के लिए बच्चों आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं इसी उमंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और कल से बच्चों आप लोगों के लिए बोर्ड पे सिलेबस बताऊंगा मैं बच्चों, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।